आज का दिन रियासत तेलंगाना के लिए एक सियाह दिन है और जनाब केसीआर साहब जो अखिलियत और मुस्लिम दोस्ती का जो दम भरते थे, आज उनके चेहरे से ये झूठ का नकाब उतर चुका है। सेक्रेटरीट के दो मसाजिद और एक मंदिर को जो मिसमार किया गया है, ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल एक साल पहले इस बात का ऐलान किया था कि जिस वक्त एक खाना मस्जिद अंबरपेट शहीद की गई थी, उसी वक्त से ये खदशा लगा हुआ था कि टीआरएस हुकूमत के निशाने पर कई मसाजिद है और आवाम को ये समझना चाहिए कि ये सेक्रेटरीट की मसाजिद पर के शहीद करने के बाद फिर आगे जो है ना ये खामोश बैठने वाले हैं, ये हमारी सोच और फिक्र गलत है। बल्कि ये केसीआर साहब ये मुकम्मल तौर पर आरएसएस के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। और मैं ये बात कहूँ तो बेजाना होगा, जिसको ये नो अपना गुरु मानते हैं पीवी नरसिम्हा राव, जो बाबरी मस्जिद के खातिल हैं, उन्होंने उनके एक साल तकारीब मनाने का ऐलान जो किया है और आज जो मसाजिद को शहीद कर उन्होंने बहौल उनके गुरु को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, तो यहाँ ये बात साफ जाहिर होती है कि जो सोच पीवी नरसिम्हा राव की थी और जो सोच आरएसएस की है, वही सोच हमारे केसीआर साहब की है। लेकिन केसीआर साहब को ये भी जहन नशीन रखना चाहिए कि आज पीवी नरसिम्हा राव के ख़ानदान को कोई पूछने वाला नहीं है और ये बात जो है ना आप पर भी आने वाली है। अब मैं जनाब महमूद अली साहब और जनाब मोहम्मद सलीम साहब से कहता हूँ कि अगर आप लोगों में थोड़ी सी हमियत और गीरत और राई के दाने के बराबर अगर ईमान है, तो आप जो है ना इस टीआरएस सरकार के दामन को छोड़कर फौरी तौर पर आप लोग इस्तीफ़ा दे दें। ख़ास तौर पर मैं सलीम साहब से कहता हूँ, ये मुकम्मल जिम्मेदारी आपके ऊपर है क्योंकि आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और आपके इल्म में लाए बगैर जो ना ये मसाजिद शहीद नहीं की जा सकती और आपने मुसलमानों को धोखे में रखा है। ये शहर की तीसरी मस्जिद है जो पहली एक खाना मस्जिद को शहीद किया गया था, अब ये दो मस्जिद है, ना मालूम आगे और कितने मसाजिद टीआरएस सरकार का निशाना बनेंगे। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इस टीआरएस सरकार के दोगली पॉलिसियों में ना आए, बल्कि इनके दिखावे के बयान पर यकीन ना करें और बिलखसूस महमूद अली साहब और मोहम्मद सलीम साहब को अगर जो ना थोड़ी सी हमियत और ईमान राय के दाने के बराबर है, तो आप दोनों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और जितने मुसलमान जो टीआरएस में शामिल हैं उनको भी मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और यहाँ से एक मुनज़्ज़म पैमाने पर टीआरएस सरकार के ख़िलाफ़ एक जो ना तहरीक शुरू करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल इसके लिए एक मुस्बित राह अमल हम जो ना इसको तय कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम जो ना इसके ताल्लुक से बहुत बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम भी मुनज़्ज़म करेंगे और टीआरएस सरकार की घिनौनी हरकतों पर हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं और इंशाअल्लाह ताला टीआरएस सरकार को यकीनन अल्लाह ताला इनको तो जड़ से उखाड़ फेंकेगा। लेकिन केसीआर साहब जिस तरह से पीवी नरसिम्हा राव के ख़ानदान का कोई वजूद बाकी नहीं रहा, उनकी औलाद को कोई पूछने वाले नहीं रहे, आपके साथ भी यही मामला होने वाला है और हमारे महमूद अली साहब और हमारे यूसुफ साहब हमारे सलीम साहब आप भी जहन नशीन रख लीजिए कि आपके साथ भी जो होने वाला है आप सोच नहीं सकते। अगर आप अभी भी वक्त है फौरी तौर पर आप अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दीजिए और महमूद अली साहब आप जो केसीआर साहब के हाथा चुमते हैं पेट में मुंडी डालते हैं, आप अगर वाकई ईमान के दायरे में हैं तो आपको फौरी केसीआर से दूर हो जाना चाहिए। अल्लाह के घर की शहादत एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी जो है ना तकलीफ होती है, अगर अभी भी आपको तकलीफ नहीं आई तो फिर हम के आपके ईमान के आपका ईमान का अल्लाह ही हाफिज़ है और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों का खातिमा खतः ईमान पर नहीं करेगा और मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इसके लिए अब तहरीक के लिए मुस्तैद हो जाइए और केसीआर हुकूमत और टीआरएस हुकूमत के खिलाफ हमको मुनज़्ज़म पैमाने पर हमको तहरीक चलाने की ज़रूरत है और ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल इसके लिए इंशाअल्लाह काम शुरू कर दी गई है। Thank you.